एक करोड़ से ऊपर की कार आपको जलंधर मोटर में दी जा रही है सिर्फ सिर्फ। टायर अगर पंचर होता है, एयर काम हो जाता है, तो तब भी आप इसको 200 किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। जो डैशबोर्ड का बॉक्स है देखेंगे आप, ये बड़ा अच्छे तरीके से खुलता है। मर्सिडीज हैं, ऑडी हैं, पर हम BMW की बात कर रहे थे तो हमने BMW बोर्ड दिखानी है X5। वन क्लिक एंड हियर इज द मूनरूफ। काफ़ी बड़ा सनरूफ मिलता है। सीट्स हैं इसके लिए भी, ग्लास होल्डर हैं, रियर एसी वेंट्स वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। सत श्रीकाल जी, मैं है तोड़ा अपना सिंह एडवर्क और आज हम दोबारा आ चुके हैं जलंधर मोटर के अंदर। एक ऐसा ब्रांड जो कि डील करता है सारी लग्जरी कार के अंदर। यहाँ पे गाड़ी होती है कम चली हुई और काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको कार मिलने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं BMW स्पेशल X5 एंड S6 और साथ साथ अंकित जी आपको आज नहीं दिखेंगे क्योंकि किसी रीज़न से वो उनके मीटिंग आई है कोई अर्जेंट तो वहाँ चले गए हैं, पर उनके रिप्लेस तो नहीं हम कहेंगे, ये उनके भाई हैं जो कि हमारे साथ आज वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। क्या हाल है सर? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे। एक बार हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताएंगे। नवीन सर। नवीन जी, तो नवीन जी यहाँ के कर्तर रहता हैं और उन्हीं के भाई हैं, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सर, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, एक बार हम एड्रेस बता देते हैं, कहाँ पड़ता है हमारा? सर असालतपुर, नियर साई बाबा मंदिर, ओके, जनकपुरी। ठीक है, दिल्ली में इनका आउटलेट है। सारी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। सर मेरे सामने BMW खड़ी है, मैंने देख रहा हूँ एक और भी खड़ी है, X5 एंड X6। X5 एंड X6 दो गाड़ी हम दिखाएंगे, दो गाड़ियाँ दिखाएंगे आज हम। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ी है सेल के लिए। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, लोकेशन मेंशन है, साथ ही साथ एक इनका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। जो भी न्यू कार आती है वहाँ पे पिक्स और उसका प्राइस मेंशन होता है। तो शुरुआत करेंगे सर सबसे पहली कार, वाइट रंग की X6। सर क्या डिटेल्स हैं इसकी? सर ये 2011 रजिस्टर्ड, 65,000 किलोमीटर ड्रिवन है। ओके, ये सेकंड ओनर कार है एंड फैमिली टू फैमिली ही ट्रांसफर है। ओके, एक ही घर के अंदर हुआ है। बिल्कुल, और बहुत लेस ड्रिवन है, बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई है ओनर ने एंड सारी कंपनी रिकॉर्ड्स के साथ चली हुई है। ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, टायर्स हर चीज़ सर्विस इसकी रिसेंटली हुई है अभी, तो मतलब आपको कोई सिंगल पैनी खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, पूरी मेंटेन्ड है गाड़ी, कुछ काम वाम की नीड नहीं है इसमें। बम्पर वगैरह सर बात करें, बम्पर वगैरह सर छोटा मोटा टचिंग है, इतनी पुरानी है तो छोटा मोटा हो जाता है, बट कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कोई पेंट वोंट कुछ नहीं है। इंजन वाइज ओके है गाड़ी? इंजन वाइज बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें सर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ भी फॉल्ट होता है तो स्क्रीन में इसमें आ जाता है। अच्छा। आप चेक कर सकते हैं BMW के अंदर। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, साइड प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं। टायर हम देखते हैं सर, टायर कितने इंच का मिलने वाला है हमें? इसमें 19 इंच के अलॉयज हैं एंड ये RFT टायर्स आते हैं इसके अंदर। अच्छा, RFT आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। ये टायर अगर पंचर होता है, एयर काम हो जाता है, तो तब भी आप इसको 200 किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, ये टायर ख़राब नहीं होता। ठीक है, मतलब हाईवे में कहीं जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं ना, आपने सुना होगा ताज एक्सप्रेसवे पे कई गाड़ियाँ पलट जाती हैं टायर फटने से, ये इनमें ये टायर कभी नहीं बैठता, ये RFT टायर होता है, इनमें कभी भी कोई मतलब कि आप कोई इसके साथ आपके साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है लग्जरी कार्स का, कि टायर की वजह से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, 200-300 किलोमीटर तो ऐसी आपके चल जाएगी। बाकी प्रोफाइल मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है सर, ये 5-सीटर कार है ये सर? ये एक चीज़ बता दूँ, ये है 4-सीटर कार। 4-सीटर कार, 4-सीटर है, SUV बट 4-सीटर। ठीक है, सनरूफ वगैरह मैं देख पा रहा हूँ सर इसमें। ठीक है सर, एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठना चाहता हूँ, थोड़े से फीचर जानना चाहेंगे अंदर बैठ के। ठीक है सर, बिल्कुल। क्या क्या कंपनी इस गाड़ी के फीचर हमें प्रोवाइड कर रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बाद में जानेंगे इसका प्राइस। हम आ चुके हैं अंदर सर, इंटीरियर बहुत खतरनाक है और प्लस पॉइंट सर ये बैजिंग हो रखी है ना कंपनी की, बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी दे रही है ना सर। मैं आपको ये करता हूँ, ये कंपनी से नहीं है, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है इसके अंदर, जस्ट लुक को एनहांस करने के लिए। ठीक। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, देखो कितना प्यारा आफ्टर मार्केट सर आप बता रहे हो, ये आपने लगा रखा है। चलो ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं आगे। सर क्या क्या हमें इंटीरियर देखने को मिलेगा इस गाड़ी सर? इसके अंदर रेड लेदर इंटीरियर आता है जो एक स्पोर्ट्स कार को एनहांस करता है उसकी लुक को और भी ज़्यादा। ठीक है, एंड आप देख रहे हैं इसके अंदर सारे फीचर्स हैं, अपना एयर कंडीशनिंग जो है इसकी, क्या कहते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन है, एंड प्लस इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, मैं आपको शो करूंगा, एक बार देखेंगे आप स्क्रीन में फोकस करेंगे तो। दिस इज अ नॉर्मल कैमरा एंड विद टच ऑफ वन क्लिक आप देखेंगे कि इसके अंदर 360 डिग्री व्यू भी आज मिल जाता है। बिल्कुल, एंड सर इसके क्या कहते हैं आप स्पीड की बात करें तो आप देख ही रहे हैं, एंड इवन मैं आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, स्पोर्ट्स कूपे होने के बावजूद भी इसकी जो एवरेज है आप देखिए एक बार, 10.1 किलोमीटर पर लीटर। ओके, डेट इज़
काफी एक अच्छी एवरेज है सर। ये ऐसी ऐसी लग्जरी कार जो स्पोर्ट्स कार गिनी जाती है उनकी एवरेज कम गिनी जाती है, पर लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर मेंशन हो रहा है 10 की एवरेज आ रही है। 10 की एवरेज आप लगा लीजिए। ठीक है सर, 6 डिस्क चेंजर आता है विद पैडल शिफ्टर्स। ओके, यू कैन सी यू कैन लो डाउन द गियर फ्रॉम हियर एंड यू कैन प्लस द गियर फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं। इस तरीके से कुछ हमें गाड़ी देखने को मिल रही है सर। बाकी कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे सर गाड़ी के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे स्टोरेज भी है इसके अंदर, तो ये अच्छी स्टोरेज है। यहाँ पे आप फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, देखेंगे बॉक्स का पोर्ट है और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, एंड सर यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सामने जो डैशबोर्ड का बॉक्स है ये देखेंगे आप, ये बड़ा अच्छे तरीके से खुलता है। वाओ, काफी स्पेस मिल रही है मैं। बिल्कुल सर। साथ साथ सनरूफ भी देख लेते हैं एक बारी। सनरूफ भी, हाँ जी सर, आप देखिए। तो ये देखो जी सर, खोल के दिखाएंगे एक बारी। बिल्कुल सर, ठंडी ठंडी हवा आएगी शाम को। बिल्कुल सर, आप चेक कर सकते हैं। पर इस वाले के अंदर आवाज भी नहीं आ रही है, हमने वीडियो बनाई थी अंकित जी के साथ, पता नहीं क्या आवाज आई पर गाड़ी की आवाज नहीं थी। बाहर से आवाज होने का कुछ नहीं होता, इट्स वर्किंग जैसे या फिर लुब्रिकेटेड, दैट्स इट। ठीक है, ये गाड़ी इस तरीके से कुछ दिखती है। बाकी बैक से हम दिखा देते हैं एक बारी। तो ये जैसे सर ने बताया कि 4 सीटर है, क्योंकि प्रॉपर कंफर्ट दिया गया है, कप होल्डर्स हैं और आपके आप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं अपना सारा। तो ये सारा हमारे पास इस तरीके से आपने कलर बताया जो कि एक स्पोर्टिंग लुक दे रहा है। सर और कोई ऐसी फीचर? सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी जब बात हो रही थी माइलेज की, आप बता रहे थे कि जैसे लाइव माइलेज पे करते हैं इतनी इसकी माइलेज नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवे, इफ़ यू गोना यूज़ द क्रूज कंट्रोल, तो सर कम से कम आपकी 3 से 4 किलोमीटर की एवरेज को एनहेंस करेगा ही करेगा, और 3 से 4 किलोमीटर को। बिल्कुल ठीक है, लाइक इट्स इफ इट इज गिविंग है 10.1 देन इट विल बी श्योरली इट विल गो ऑन 15। ठीक है, तो ये हमने गाड़ी दिखाई अंदर से। सर एक बार आपने बात कर थी बैक सीट थोड़ा सा यहाँ पे, हम बताएंगे क्या क्या एंटरटेनमेंट सिस्टम आप बता दे कुछ। सर इसमें रियर एंटरटेनमेंट किट लगी हुई है पीछे, एंड आप देखेंगे इसकी सीटिंग जो है, देखिए 4 सीटर गाड़ी है, रियर एंटरटेनमेंट किट इसकी जो वर्थ आप कंपनी से लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख की है। ठीक है, एंड पीछे रियर वेंट्स हैं एसी के, सब कुछ है पीछे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सब कुछ है इसके। आफ्टर मार्केट होता है, आपने 4 लाख का खर्चा करा हुआ है? हाँ जी हाँ जी, कंपनी से ही लगा हुआ है ये जो एंटरटेनमेंट किट इसमें। ओके, तो एडिशनल किट है जो कि आपको इस गाड़ी के साथ दी जाएगी। बात करते हैं सर फ्यूल टैंक की। सर फ्यूल टैंक इसकी कैपेसिटी है 85 लीटर्स। अच्छा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा पेट्रोल भर के घूम के जा सकते डीजल, हैं डीजल सॉरी पेट्रोल ना बना, इंजन सही रहेगा। सर एक बार डिक्की खोल के देखना चाहेंगे, एक्सिस स्पेशल फीचर दिखाता हूँ आपका। हाँ जी, 2011 में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता था, ये देखिए जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन दबाया आपने सर। बजाज, इतना तगड़ा बूट स्पेस सर। एंड सर 570 लीटर का, 570 लीटर का इसका बूट स्पेस है। ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट बंद भी देखिए आप, जस्ट विद अ प्रेस ऑफ सिंगल प्रेस ये क्लोज हो गया। ओके, तो कहना चाहूँगा जितनी प्यारी आगे से ना उससे ज़्यादा मुझे पीछे से अच्छी लग रही है गाड़ी। कई गाड़ियाँ देखेंगे आप जो आज की भी हैं, लाइक X4 जो है नई बिल्कुल लेटेस्ट जो वर्जन है वो भी इसी से इंस्पायर है। अभी तक इन्होंने पीछे से इसकी लुक के अंदर कोई चेंज नहीं किया, थोड़ा मोटा जैसे आफ्टर टेल लाइट्स वगैरह चेंज करी है इन्होंने और कुछ चेंज नहीं है पीछे से लुक के अंदर। इसी से इंस्पायर है मोस्टली ज़्यादातर गाड़ियाँ। बिल्कुल, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है? 212 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ वेरी गुड फॉर SUV कूपे। ओके, तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। एक वीडियो में हमने बताया था 250 mm का, वो हमने जानबूझ के बोला था, और मैं थैंक्स बोलूँगा अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को, कि हमारी वीडियो इतनी बारीकी से देखते हैं, हम जानबूझ के कोई ना कोई सीन ऐसा क्रिएट करते हैं ताकि हम जज करते हैं आप लोगों कि आप हमारी वीडियो कितनी देख रहे हो, और अगर देख रहे हो तो कितनी परफेक्शन से देख रहे हो। तो आप सही थे, हमने जानबूझ के बोला थैंक यू, और ऐसी हम कोई गलतियाँ करते हैं तो आप समझा करो कि हमने जानबूझ के गलती डाली ताकि आप उसको करेक्ट करो, हमें पता चल पाए कि आप कितना तसल्ली से कितनी बारीकी से देख रहे हो। अब आप ये भी बोलोगे इसको कवर अप करने के लिए बोला गया, ना ये हमने जानबूझ के करा था। तो ये हमने पहली गाड़ी कवर अप करी, इसका प्राइस हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, मर्सिडीज़ आओ ना सर, मर्सिडीज़ हैं, ऑडी हैं, पर हम BMW की बात कर रहे थे तो हमने BMW गोड़ दिखानी है, X5 है ना सर, तो X5 चेरी रंग की कार है हमारे पास। सर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हो रही है एक बारी। सर ये X5 2009 मॉडल डीजल वेरिएंट है। ओके, डीजल रजिस्टर्ड कार है ये। हाँ जी, एंड सर ये 6 सिलेंडर 3000 क्यूबिक कैपेसिटी है इस गाड़ी की। ओके, एंड ये सर इसमें ये है 7 सीटर एंड प्लस इसमें आता है पैनोरामिक रूफ। आप देखेंगे कंपेयर करेंगे X6 में आता है सिंगल सनरूफ और इसके अंदर आता है पैनोरामिक सनरूफ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कार, आपने बताया 2009 मॉडल। उस हिसाब से टायर बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। सर बिल्कुल सर, 19 इंचेस के अलॉयज हैं, सेम अलॉयज एज ऑफ X6 एंड 80-90% आपने देखेंगे टायर्स अभी इसके बचे हुए हैं।
इसका भी अंदर बैठ के नजारा लेने की गाड़ी बिल्कुल सर बिल्कुल देख लेते हैं क्या क्या फीचर हमें मिल रहे हैं इस गाड़ी के। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर सर, बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है और काफी स्पेशियस लग रही है मुझे तो। बिल्कुल सर, ये 7 सीटर कार है सर, एंड आप आगे से अगर इसको देखेंगे तो एसी वेंट्स वगैरह सब कुछ इसके नॉर्मली मोस्टली इसका डैशबोर्ड और फ्रंट इसका X6 जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम जो होता है। ठीक है, इसमें कलर टोन आप अपनी मर्जी से जब आप न्यू लेते हो शोरूम से चूज कर सकते हो। तो इन्होंने जो क्लाइंट ने उस टाइम ये बेज कलर ऑप्ट किया था इसके अंदर। ठीक है, हम बेज कलर एंड वुडन, तो काफ़ी लग्जूरियस फील दे रहा है इस गाड़ी को। ओके, एंड सर 1 लाख ड्रीवन है गाड़ी ये विद कंपनी रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, यू डोंट हैव टू स्पेंड इवन सिंगल पेनी ऑन द कार। एंड आपको हम दिखाते हैं इसका एक बार पीछे भी, देखिए इसमें ये 5, 2+3 एंड द रियर इज 2। ओके, तो ये 7 सीटर कार है। 7 सीटर एंड इसमें दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर आता है पैनारोमिक सनरूफ। तो ये हम देख लेते हैं, देखिए सर दिस वन क्लिक एंड हियर इज द मूनरूफ। ओए होए होए, काफी बड़ा सनरूफ मिल रहा है। बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। रियर से देखेंगे हम सर, इसका बूट स्पेस हम ओपन करेंगे। इसका मैनुअल बूट आता है ट्रंक एंड 650 लीटर की इसकी बूट कैपेसिटी है। पीछे इसमें सीट्स होती हैं, आप इसको जस्ट ऐसे पुश करेंगे तो ये सीट्स लेट जाएंगी पूरी के दोनों के दोनों, तो काफ़ी स्पेस हमें मिलना। बिल्कुल, एंड इसके अंदर जब आप इसको लेटा देंगे सीट्स, इसको बूट स्पेस बढ़ाने के लिए जस्ट यू हैव टू ओपन दिस लाइक दिस एंड ये देखेंगे आप इजिली इसमें सामान कोई भी हो कितना भी रख सकते हैं। तो 650 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। मैं आप देखेंगे आगे तो पीछे भी जो सीट्स हैं इसके लिए भी ग्लास होल्डर एंड रियर एसी वेंट्स वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, हमने कार की बताई है डिटेल्स, अब मेन बात सर पैसा, पर उससे पहले एक बार बेसिक हम डिटेल दे लेते हैं फिर पैसा बताते हैं इसका। सर ये 2009 मॉडल है एंड 1 लाख ड्रिवन है विद कंपनी रिकॉर्ड्स। दोनों चाबियाँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है इसकी एंड टायर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इस गाड़ी का हम आस्किंग प्राइस रखा हमने 9 लाख रुपीज़। सीरियसली? यस, 9 लाख रुपए की आपको मिल रही है BMW X5 सर। सर आपने बताया 9 लाख रुपए, बिल्कुल अट्रैक्टिव प्राइस, नेगोशिएबल तो होगा। बिल्कुल सर। सर अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस इसकी थर्ड पार्टी है। ओके, और सर नई गाड़ी लेने जाओ। सर नई गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली आपको 70 लाख के आसपास पड़ती है। अच्छा उस टाइम पे अच्छा लग रहा था, अपनी 70,000 बोला ना तो काफी अच्छा लगा। नहीं सर ये भी उस टाइम का, आज की आप देखेंगे तो आई थिंक 1 करोड़ प्लस है। 1 करोड़ से ऊपर की कार आपको जलंधर मोटर में दी जा रही है सिर्फ 9 लाख जो की होगा नेगोशिएबल। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कार जो खासे हमने सबसे पहले दिखाई थी जो की हमारे पास है X6। सर ये यूपी नंबर है। ओके, यूपी 78 कानपुर रजिस्टर्ड है ये। ओके, ये सर 2011 रजिस्टर्ड कार है, 65,000 ड्रिवन विद सर्विस रिकॉर्ड्स। गाड़ी सेकेंड ओनर है ये, बट फैमिली ट्रांसफर जैसे मैंने बताया, दोनों चाबियां हैं, इंश्योरेंस इसके एक्सपायर्ड है अभी। और सर ये गाड़ी हम सिर्फ 16.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। 16.5, ये भी करोड़ से ऊपर की है। ये सर 78 की थी उस टाइम, जो इनवॉइस वैल्यू इसकी 78 थी एंड आज की डेट में 1.25 के अराउंड है ये। बिल्कुल, तो जो सर ने प्राइस बोला है उसमें होगा नेगोशिएबल। तो फटाफट अपने क्या करना है, कॉल कर रहे हैं जलंधर मोटर, आप बस लॉकडाउन मुझे लग रहा है खुलने ही वाला है। बिल्कुल, बहुत जल्दी आप यहाँ पे विजिट भी कर पाएंगे और गाड़ी की अगर टेस्ट ड्राइव लेनी है वही पॉसिबल होने वाली है। बिल्कुल सर, बाकी फिलहाल अभी वीडियो देखने के बाद सर को कॉल करिए, सर आपको वीडियो कॉल मेंशन कर देंगे, जो भी बेसिक डिटेल्स आपको कुछ और जाननी है सर ऑन कॉल आप मेंशन कर। बिल्कुल सर, तो यहीं रोकते हैं वीडियो। इसके अलावा और भी इनके पास अच्छा खासा स्टॉक है, देख सकते हैं सारी लग्जरी कार्स अवेलेबल है हमारे पास। मिनी कूपर हमने एक दिखाई थी वीडियो में, लगभग उसको डील कराए होने वाली है और मिनी कूपर और भी हमारे पास आ रही है स्टॉक, है ना। बिल्कुल सर, तो सब कुछ दिखाएंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले कमिंग डेज के अंदर। बहुत जल्दी एक और पार्ट लेके आएंगे। सुपर बाइक्स की भी बहुत डिमांड आ रही है। सुपर बाइक्स सर, सुपर बाइक्स भी है हमारे पास, निकलवाओ थोड़ी सी पड़ी है आपके पास, मुझे पता है आप बड़े पैसे वाले हो। नहीं सर, आप तो रेट पड़वाओगे घर में। तो जिनके काम जो डीलरशिप में क्या उनके पास आना जाना लगा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो बाइक्स लगभग नियर बाई है हमारे पास, विद इन कमिंग डेज के अंदर वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहो जलंधर मोटर के साथ और इनका इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कर लेना। यहीं रोकेंगे वीडियो, करेंगे एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ओके सर। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू, चंगा।